हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई होप आप लोग जो अपनी तैयारी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और जिस तरह से आपको जो है ग्रुप में डेली सुबह उठ के जो शेड्यूल दे दिया जाता है कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, तो आप उस शेड्यूल को जरूर फॉलो कर रहे होंगे। डेली बताए जाते हैं कि कितने चैप्टर्स कितने करने हैं, कितने चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो आई होप आप सब लोगों जरूर इंजॉय कर रहे होंगे उन चीज़ों को। और डेली टारगेट मिलता है, अपना डेली टारगेट अचीव करके तभी रात को अच्छी नींद आपको आती होगी, तो इससे आपका जो है एग्जाम क्लियर होने के चांसेस जो है 50 से 60% बढ़ जाते हैं कि आप लोग जो है एग्जाम को जरूर क्लियर कर जाएंगे। चलिए, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि HCS प्रीलिम्स के लिए है स्पेशली वीडियो। तो इसमें एक HCS टेस्ट सीरीज है और एक क्वेश्चन बैंक है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का, और एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया था। तो अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर टेस्ट सीरीज लें या फिर क्वेश्चन बैंक लें। तो भाई, पहले तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके पास टेस्ट सीरीज है, वो उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें ताकि आपको जो है और बेनिफिट होगा, क्योंकि ये तो आपने पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो पहले ही कवर कर ली, इसके सारे क्वेश्चन तो आपको याद हो चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन बैंक ले लें, इससे क्या होगा आपके जो है और ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, और ज्यादा आपके जो है माइंड में क्वेश्चन के आंसर फीड हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक में बेस्ट क्या है? अगर किसी ने टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक अभी तक कुछ भी नहीं लिया तो उनके लिए क्या आंसर है? भाई, टेस्ट सीरीज में 3000 क्वेश्चन है जो कि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 30 सेट मिलेंगे, 30 प्रैक्टिस सेट, सॉरी 25 जनरल स्टडीज के और 5 सी सेट के। तो ये एग्जाम के अकॉर्डिंग है, जैसे कि एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, फिर हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ जाता है, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो है टेस्ट सीरीज है इसमें 3000 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में है, एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक चैप्टर में 60 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, चैप्टर के अंदर 80 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक है। तो अगर आपने जो है आपके पास थोड़ा समय, आपको लगता है कि मुझे जल्दी से तैयारी करनी है, सिर्फ अभी टाइम है, मैं टेस्ट सीरीज कर लूं, तो भाई टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक करना है क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हो। इसमें 3000 क्वेश्चन है, इसमें 18000 क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि आप लोग 18000 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे तो ठीक है, अगर लगता है अभी नहीं कर पाएंगे तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि 18000 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। डेली अगर आप 300 से 400 क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से आप लोग कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा हुआ, जो रिवीजन कर रहे हैं, वो आराम से 300 से 400 क्वेश्चन डेली पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना ही तो है उन क्वेश्चंस को, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है टेस्ट सीरीज आपने जो है कर रखी है ज्वाइन, तो इसकी भी रिवीजन साथ साथ करते रहिए। ऐसा ना हो कि टेस्ट सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए और वहां पे आपको उसका आंसर ही पता ना हो। तो दोनों में से जो भी आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और दोनों ही बाइलिंगुअल है, टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल है और जो क्वेश्चन बैंक है वो भी बाइलिंगुअल है। दोनों में से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 9896160956, इस पे मैसेज करके आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज दोनों में से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का बेनिफिट अवश्य होगा। कोई स्टूडेंट्स दोनों भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि टाइम पढ़ने का तरीका बता देता हूं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तीसरा चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर ली, सैटरडे 100 क्वेश्चन किए, संडे फिर 100 क्वेश्चन किए, अपना 2 आवर्स का घड़ी पे टाइम लगा के रख लो कि हाँ 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक दोनों से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम है हार्ड वर्क करने का विद स्मार्टनेस। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाएं और माजिद हुसैन उठा के बैठ जाएं, इतना टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पहले नोट्स बना रखे हैं कहीं से लिए हुए हैं उनसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए। दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम दीजिए, स्लॉट बनाकर टाइम दीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है HCS मिशन, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये सिर्फ HCS के लिए स्पेशल है। इसके अलावा अदर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है @StudyMaster, वो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और जो फ्री लेक्चर सीरीज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी आप लोग जो है देख सकते हैं, वो भी लेक्चर्स आपको जो है जल्द यूट्यूब पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसका भी टाइम डिसाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही टाइम डिसाइड हो जाता है कि मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में अपलोड करना है, फिर आपको जो है डेली लेक्चर मिला करेंगे। फ्री क्लासेस हैं, उसका किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? बट टेस्ट सीरीज और जो क्वेश्चन बैंक है ये चार्जेबल है।
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और मोटिवेशन से ही हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सैंपल लेना हो सैंपल भी मंगवा सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए हैं, चेक करना मत भूलना।